हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट 11 मास्टर। तो अभी हम बात करने वाले हैं ECS टीटन हंगरी में होने वाले आज के मुकाबले की। पहला और दूसरा मुकाबला जो होने वाला है यूनाइटेड सलाड और कोबरा क्रिकेट क्लब के बीच में होने वाला है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि यूनाइटेड सलाड की टीम एक मुकाबला जीतेगी एक मुकाबला हारेगी, वही हुआ, सेम चीज़ हुई और कोबरा के साथ भी सेम ही चीज़ हुई है। अभी यहाँ पर हम पूरी की पूरी डिटेल डिस्कस कर लेंगे। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं से आपको टेलीग्राम पर जुड़ना है। 13th एंड 14th मुकाबला है टूर्नामेंट का, GB ओवल में आपको मैच 12:30 बजे लाइव देखने को मिलेगा पहला, और दूसरा 2:30 बजे फैन कोर्ट पर आप इस मैच को लाइव देख सकते हो। प्रीव्यू की अगर आप बात करो तो पहला मुकाबला हारने के बाद दूसरा मुकाबला अपना जीत कर आए, बढ़िया परफॉर्मेंस रही है यहाँ पर यूनाइटेड सलाड की। और मैंने आपको पिछले मुकाबले में भी ये बताया था कि भैया दोनों ही टीम स्ट्रांग हैं, तो इस वजह से क्या होगा कि एक एक मुकाबला दोनों टीम जीत जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं होगा कि आउट प्ले कर जाए कोई भी टीम आपको। अब यहाँ पर कोबरा की अगर हम बात करें, 3 में से 2 मुकाबले जीत कर आए हैं, बढ़िया परफॉर्मेंस रही है। और अगर आप देखो 120 रन डिफेंड कर लिए थे इन्होंने पिछले वाले मुकाबले में, 3 रन से अपना मुकाबला जीत कर आए थे, परफॉर्मेंस इनकी बहुत ज़्यादा बढ़िया रही थी। 3rd spot पर हैं अभी के लिए 4 points के साथ। पिच रिपोर्ट की अगर आप बात करो तो यहाँ पर बैटिंग के लिए बहुत बढ़िया हो रही है पिच, बैटिंग के लिए पिच क्या बढ़िया हो रही है, मतलब अब बैट्समैन को पता है कि भैया कौन सा बॉलर क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, और पिच कुछ नहीं कर रही है तो जो भी कर रहा है वो बॉलर ही कर रहा है, तो उन्हें पता है कि कौन सा बॉलर क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हें सब देखा हुआ है। अब जैसे मैंने आपको पिछले मुकाबले में बताया था, देखो यूनाइटेड सलाड के साथ हुआ क्या है, 4 मुकाबले खेले हैं उसमें से 2 जीते हैं 2 हारे हैं, एक मुकाबला ये रहा ROT, मतलब आपके पास रॉयल्स के खिलाफ मुकाबला जीते थे और BUB के खिलाफ या बुदापेस्ट के खिलाफ मुकाबला जीते। मैंने आपको कल भी यही समझाया था कि ये दोनों टीम्स ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं, मतलब जब ये खेली थी ये बुदापेस्ट के खिलाफ, तो ऐसा नहीं होगा कि कोई एक टीम आपको दोनों मुकाबले जीतती हुई दिख जाए, एक टीम एक मुकाबला जीतेगी एक टीम एक मुकाबला जीतेगी, और उस हिसाब से ना आपको टीम्स बनानी होती हैं। ऐसा मत करा करो कि सेम ही टीम उतार दी जो भैया मैंने पहले बताई वही दूसरी वाली उतार देंगे, वैसा नहीं होता है, क्योंकि दूसरे मुकाबले में टॉस भी बदल जाता है कभी कभार, फिर उसके बाद अगर आप देखो तो क्या बदल जाता है, मतलब प्लेयर्स को पता लग जाता है कि भैया क्या कर रहे हैं प्लेयर्स, प्लस साथ में प्लेयर्स में ना थोड़ी सी थकान भी हो जाती है, क्योंकि 10 मतलब 20 ओवर आप मुकाबला खेल रहे हो, उसके बाद लगातार दोबारा खेल जाओ 15-20 मिनट में, तो वो दिक्कत आपको देखने को मिलती है। HS Wagh की अगर आप बात करो, 17-6 29 रन के साथ 2 विकेट और 0 रन, उसके बाद आपके विनोद हैं 12-78 31 और 34, एक इंपॉर्टेंट पिक, इस प्लेयर को आप ड्रॉप नहीं कर सकते हो। ध्रुप रेड्डी आपके पास है, 23 रन की पारी पिछले मुकाबले में इसने खेली, ध्रुप रेड्डी इज़ आल्सो अ गुड पिक। अमित परिहार को मत ड्रॉप करना, मैंने पहले मुकाबलों में भी इसे कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी, यहाँ पर देखो ना ये दोनों मुकाबलों मैंने वाइस कैप्टेंसी दी थी, इस मुकाबले में सिर्फ और सिर्फ मैंने रखा था, जहाँ पर इसने 3 विकेट चटकाई 16 रन करे, इस मुकाबले में सिर्फ और सिर्फ रखा था, एज अ नॉर्मल प्लेयर रखा हुआ था, और इसकी सिलेक्शन इस मुकाबले में थी भी बहुत ज़्यादा कम, और इसी ने क्लीन स्वीप करवा दिया था। धीरज गायकवाड़ आपके पास है, 2 विकेट इसने चटकाई है, बढ़िया प्लेयर आपके लिए। उसके बाद अगर आप देखो फ्रांसिस फेरल आपके पास है, 1 विकेट इसने चटकाई है, एक बहुत तगड़ा पिक, क्योंकि हर एक मुकाबले में आपको विकेट लाकर देकर गया है और एक इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए है। अब यहाँ पर अगर आप आओगे नीचे, हसन अशफाक 2 ओवर में 1 भी विकेट नहीं, स्टार्टिंग में आकर बॉलिंग करवाई। अमित परिहार 2 ओवर में 1 विकेट, स्टार्टिंग और डेथ में आकर बॉलिंग करवाई है। फ्रांसिस 2 ओवर में 1 विकेट, उसके बाद ध्रुप रेड्डी आपके पास है, 2 ओवर में 1 भी विकेट नहीं। धीरज गायकवाड़ 2 ओवर में 2 विकेट, डेथ में आकर बॉलिंग करवाई है। धीरज गायकवाड़ एक कॉमन प्लेयर है जो आपको हर एक टीम में देखने को मिलेगा, क्योंकि बॉलिंग डिपार्टमेंट में और कोई प्लेयर है ही नहीं इनकी टीम में से, सारे के एक फ्रांसिस भी है शायद, और सारे के सारे प्लेयर ना कहाँ दे रखे हैं, ना ऑलराउंडिंग सेक्शन में बैटिंग सेक्शन में दे रखे हैं ड्रीम इलेवन वालों ने। नीचे आओगे, नीचे आपको हर एक प्लेयर के स्टैट्स देखने को मिल जाएंगे, कोई भी नया प्लेयर आता आप यहाँ पर आकर स्टैट देख सकते हो। अपडेट आपको टेलीग्राम कर देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोबरा की अगर आप बात करो, यहाँ पर 2 मुकाबले जीत कर आए हैं और 2 मुकाबले अपने हार कर आए हैं, परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा बढ़िया, मतलब वही है जैसी यूनाइटेड सलाड की रही है ना, वैसी ही परफॉर्मेंस यहाँ पर कोबरा की रही है। अनुज कुमार 4 रन की पारी, उसके बाद सत्यदीप 1 रन, उसके बाद हफीज़ आपके पास है 21 रन, उसके बाद शेख रशीक आपके पास है 14 और 60 रन। शेख रशीक इज़ अ गुड पिक, आप आराम से ट्राई कर सकते हो।
और आपको बैक टू बैक परफॉर्म भी कर देकर गया ये प्लेयर। उसके बाद रवि यादव आपके पास है, 1 रन 5 रन के साथ 1 विकेट 1 रन और 8 रन। रवि यादव को ड्रॉप कर सकते हो बट अपनी ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो ग्रैंड लीग में पक्का ट्राई करना। फिर उसके बाद मोहम्मद रहमतुल्ला आपके पास है, 8 रन पिछले 2 मुकाबलों में इसने करे। संजय कुमार 1 रन। फिर उसके बाद नितिन नरवे आपके पास है, 4 रन की पारी इसकी रही। आशुतोष माथुर आपके पास है 0, विष्णु आपके पास है 0 और उसके बाद सिसिल कुरेन आपके पास है। देखो सिसिल कुरेन ने पिछले मुकाबले में ज़्यादा कुछ करा नहीं है, इसने बॉलिंग करवाई बट विकेट नहीं छटकाई। मैं स्टिल इसे ट्राई करूंगा अगर ये सिसिल आज खेलता है, क्योंकि देखो जोगी नहीं खेलेगा उसकी मतलब वही होगा, फिर शायद जोगी नहीं खेलेगा और अगर जोगी नहीं खेलता तो सिसिल आपको दोबारा से बॉलिंग करवाता हुआ दिखेगा। और सिसिल एज अ बॉलर एक बहुत बढ़िया पिक रहने वाला है। आशुतोष माथुर 1 ओवर में 1 भी विकेट नहीं, स्टार्टिंग में आकर बॉलिंग करवाई। शेख रशीक 1 ओवर में 1 भी विकेट नहीं, स्टार्टिंग में आकर बॉलिंग करवाई। हफीज़ ने 2 ओवर करवाए, 1 भी विकेट नहीं छटकाई। सिसिल ने 1 ओवर करवाया, 1 भी विकेट नहीं छटकाई। और रवि की अगर आप बात करो, 4 बॉल जिसने करवाई, 1 भी विकेट इसने नहीं छटकाई। नीचे अगर आप आओगे आपको हर एक प्लेयर के स्टैट्स देखने को मिल जाएंगे। कोई भी नया प्लेयर आता है आप यहाँ पर आकर स्टैट देख सकते हो। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं से आपको टेलीग्राम पर जुड़ना है। विकेट कीपिंग सेक्शन की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर वीर रविंद्रन बहुत बढ़िया पिक है। वैसे आप अश्वत को भी ट्राई कर सकते हो बट अश्वत आपके लिए ना डिफरेंशियल पिक रहने वाला है, कॉमन पिक नहीं होगा। फिर उसके बाद ऋषिक आपके पास है, जोगी खेला नहीं पिछला मुकाबला। ध्रुव रेड्डी आपके पास है और अगर जोगी नहीं खेलता तो फिर यहाँ पर तीसरा प्लेयर चुनना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और एक ऑब्वियसली कॉमन पिक हो जाएगी फिर आर यादव की। तो उस हिसाब से आप देखना, अगर तो जोगी खेल जाता तो बहुत बढ़िया, क्योंकि फिर ये 3 ही प्लेयर्स हम लेकर जाएंगे, 97, 96, 92% वाले प्लेयर्स ही हैं। उसके बाद अगर आप देखो ये परियार, एच अश्वाक और एस कुमार, ये तीनों प्लेयर्स इंपॉर्टेंट है और इन तीनों को आप ड्रॉप नहीं कर सकते हो। एच अश्वाक को ड्रॉप करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि हर एक मुकाबले में वैसे क्या है कि भैया 2-2 ओवर करवा रहा है, तो इस वजह से मैं तो ये कहूँगा कि ड्रॉप मत करना, बट स्टिल अगर कोई ड्रॉप करना चाहता है कर सकता है। डी गायकवाद, एफ फेरल आपके पास है, डी अदापका आपके पास एक बढ़िया पिक रह सकता है। अदापका को मैंने पिछले मुकाबले में भी ट्राई करा था, कोई दिक्कत नहीं थी अदापका को ट्राई करने में, और अदापका आप भी ट्राई कर सकते हो। अब एक प्लेयर बचता है और उसी के ऊपर पूरे का पूरा ना मतलब मुकाबला टिका हुआ है कि वो कौन सा प्लेयर होगा जो आपको बहुत बढ़िया कर देकर जाएगा और जो आपके लिए क्लीन स्वीप कर देकर जाएगा। मेरे हिसाब से आप अश्वत को ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है अश्वत को ट्राई करने में। अगर आप एक एक्स्ट्रा बॉलर लेकर जाना चाहते हो तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो ए माथुर आपके लिए एक बढ़िया पिक रह सकता है, नहीं तो आपके सिद्धिकर आपके पास एक बढ़िया पिक रह सकता है। मैं सिसिल को ट्राई करूंगा, जैसे मैंने आपको बताया पहले भी कि सिसिल आपके लिए एक बहुत बढ़िया पिक हो सकता है इस मुकाबले, मैं सिसिल के साथ ही जाऊंगा। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की अगर आप बात करो, रशिक को एज अ कैप्टन दे सकते हो, वाइस कैप्टन यहाँ पर अमित परिहार, दोनों ही प्लेयर्स बढ़िया हैं। एच अश्वाक का आपके पास एक डिफरेंशियल पिक वाइस कैप्टनसी का ऑप्शन रहेगा, बट अगर सेफ ही जाना चाहते हो तो यहाँ पर एस रशिक और यहाँ पर ए परिहार। देखो जोगी नहीं खेलता है ना तो फिर एक बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा कि यहाँ पर कौन सा बैट्समैन ऐसा रखा जाए जिसकी बैटिंग भी आ जाए प्लस साथ में कुछ रन्स भी कर जाए, क्योंकि जोगी के अलावा कोई और बैट्समैन ही मतलब इन तीनों के अलावा ना और कोई प्लेयर ही नहीं है यहाँ पर बैटिंग सेक्शन में जो आपको बढ़िया कर देकर जाएगा। एक रहमान उतुल्ला आपके पास है अगर वो बढ़िया कर जाए, बट वो बहुत नीचे आ रहा है बैटिंग करने के लिए, तो चांसेस थोड़े से ज़्यादा कम है। सबसे पहले टीम की अगर आप बात करो, रविंद्रन एज अ कैप्टन, वाइस कैप्टनसी यहाँ पर जोगी को दे रखी है। उसके बाद अश्वत आपके पास है, रशिक आपके पास है, ध्रुव रेड्डी आपके पास है, चश्वाक, ए परियार, एस कुमार, डी गायकवाद, ए माथुर, यहाँ पर एफ फेरल आपके पास है। पूरी की पूरी टीम आपके लिए स्मॉल ग्रैंड लीग और ग्रैंड लीग फेवरेबल टीम है। वैसे स्मॉल लीग में भी आप इस टीम को लगा सकते हो बट रिस्की है, क्योंकि ये दोनों प्लेयर्स कॉमन कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं है, पहली बात तो ये, और दूसरी बात यहाँ पर रिस्क ये है कि अगर जोगी नहीं खेलता है तो फिर उसको उसकी वाइस कैप्टनसी हमें फिर से रशिक को देनी पड़ेगी, या नहीं तो आप परिहार को भी दे सकते हो, या नहीं तो आपके पास एक ऑप्शन रहेगा एच अश्वाक का। ये 3-4 ऑप्शन ही है आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टन जो आप सेफ टीम में लेकर जा सकते हो। दूसरी टीम की अगर आप बात करो, कैप्टनसी यहाँ पर जो दे रखी है वो दे रखी है ध्रुव रेड्डी, वाइस कैप्टनसी यहाँ पर मतलब वाइस कैप्टनसी ध्रुव रेड्डी, कैप्टनसी यहाँ पर एस रशिक, फिर उसके बाद जोगी, आर यादव, फिर उसके बाद वी रविंद्रन, एच अश्वाक, ए परिहार, वी वासुदेव, वे माथुर, फिर उसके बाद श्रीधक आपके पास और फेरल आपके पास है। पूरी की पूरी टीम आपके लिए ग्रैंड लीग फेवरेबल टीम है। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तीसरी और आखिरी टीम की अगर आप बात करो, कैप्टनसी यहाँ पर एस रशिक, वाइस कैप्टनसी यहाँ पर ए परिहार, उसके बाद वी रविंद्रन, जे सैगल आपके पास है, ध्रुव रेड्डी आपके पास है, चश्वाक, एस कुमार, फिर उसके डी गायकवाद, बी अदपका आपके पास है, सिसिल आपके पास है और एफ फ्रांसिस। थोड़ी ज़्यादा रिस्की टीम है,
देखो सेफ यहाँ तक इसका ना कोई दिक्कत नहीं है, जो एक प्लेयर मैंने सिसिल रखा हुआ ना वही रिस्क है, क्योंकि जो कॉमन प्लेयर लेकर जा रहे हैं वो अश्वत को लेकर जा रहे हैं। सिसिल आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है, इसकी सिलेक्शन भी बहुत ज़्यादा कम है, गारंटी आपको अगर जोगी नहीं खेलता तो फिर आपको ओवर्स करवा कर देकर जाएगा और दो अपने कंप्लीट करवा कर देकर जाएगा, उस हिसाब से आपको इस प्लेयर को रखना है। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ और भी आती रहेंगे आपके लिए इस चैनल पर।